जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। वेलकम है आप सभी का विजयपथ एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं मुनीश आप सभी का वेलकम करता हूं विजयपथ एजुकेशन की इस पेड क्लासेस में। हमारी पेड क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, डिफरेंट बैचेस आप सभी के लिए स्टार्ट हैं। सो अभी लेटेस्ट में जो है वो 5 ईयर एनिवर्सरी का जो हमारे पास ऑफर है वो आपके लिए चलाया गया है। 50% ऑफ हर किसी कोर्स के लिए जो है वो रखा गया है। सो आप उसको बाय कर सकते हैं। कूपन कोड आपको ऐप में ही प्रोवाइड किया गया है। विजयपथ एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका एक डिटेल कोर्स जो है वो आप एक बिल्कुल नामात्र मिनिमम फीस में जो है वो आप परचेज कर सकते हैं। अब ये जो आपका कोर्स रहने वाला है, इसमें आपको जो है वो जो भी आपका कोर्स है उसमें आपके चैप्टर वाइज सॉल्यूशन जो है वो आपके डाले गए हैं। जैसे कि मैथ है आपका, रीजनिंग है, उसके बाद आपका इंग्लिश की क्लासेस अभी हमारी कंटिन्यू में है, आपको वो जो है वो 1 या 2 दिन के गैप के अकॉर्डिंग जो है वो मिलती है। मिनिमम 6 महीने में हमारा सारा का सारा कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है। 6 महीने इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम एक ही दिन में आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। जैसे आप अगर कोचिंग में जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो एक दिन में सारा सिलेबस नहीं करवाया जाता है, 1 बाय 1 क्लासेज आपको दी जाती हैं। तो वैसे ही क्लासेज हमारी कुछ अनलॉक रहेंगी, वो आपको डे वाइज जो है वो आपकी ओपन जो है वो होंगी। जैसे कि परसेंटेज का 3 जो पार्ट हैं वो आपके ओपन कर दिए जाएंगे आज, उसके बाद परसेंटेज के जो नेक्स्ट 3 पार्ट रहेंगे वो आपके 2 दिनों के बाद जो है वो आपके ओपन किए जाएंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है वो आपकी कंप्लीट हो सके। इसमें आपको इंग्लिश, उसके बाद आपको GK, उसके बाद आपको साइंस, ये आपकी सारी क्लासेस मिलेंगी। साथ में करंट अफेयर जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप में ही जो है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। सो आप उसको जो है वो देख सकते हैं। साथ में इन सभी के अलावा, इस वीडियो कोर्स के अलावा, आपको सभी के जो टेस्ट हैं वो आपको फ्री मिलते हैं, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज में जो है वो आपके मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जिसमें लगभग हर किसी इसके जो हैं हर किसी पेपर के जो हैं जैसे 25 से ज़्यादा जो है वो हमने मॉक टेस्ट उसमें डाले हैं। उसमें 2 या 3 आपके जो हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहते हैं। उसके साथ 200 से ज़्यादा जो हैं उसमें सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज आपके टेस्ट जो हैं वो वहाँ पर डाले गए हैं। तो आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद चीज़ है। साथ में ई नोट्स जो हैं वो आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे। जब भी आप इसको एनरोल करते हैं उसी आईडी से जो है वो आपको वेबसाइट पे भी आपको लॉगिन करना है। वेबसाइट हमारी रहेगी www.vijaypatheducation.com। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारी वेबसाइट दी गई है। इस वेबसाइट के ऊपर जाके सेम आईडी से आप लॉगिन करें, आपके ई नोट्स जो हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सो आज हमारी जो क्लास है वो हमारी मिसिंग नंबर के ऊपर सेकंड पार्ट रहेगा। एक पार्ट हमने कवर कर लिया है। सेकंड में सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, क्या रहेगा। स्टार्ट करें इस आप क्वेश्चन को, किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको क्या करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली क्लास में कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है, बड़ा नंबर है, वही आपका ज्यादातर क्या होता है, रिजल्ट होता है। रिजल्ट होता है सबसे बड़ा नंबर। तो इसमें से सबसे बड़ा नंबर आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं पे ये 10 है, ये 17 है, ये आपका रिजल्ट बनाएगा। तो आपको 10 बनाना है। कैसे आप बनाएं, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 में जो भी आंसर आया उसमें आप 1 ऐड कर दीजिए, 10 बन गया। अब सेम पैटर्न यहाँ पर भी लगना चाहिए। 5 और 3 कितने, 8, 8 और 4 12, तो 12 में मैं 1 ऐड करूंगा तो मेरा आंसर 13 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं, यहाँ पर दिया गया है 17। तो कोई और पैटर्न जो है वो मेरे को यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पर जो है वो आप मल्टीप्लाई का पैटर्न लगा सकते हैं। जैसे कि 4 को मैं 3 से करता हूँ, कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 में से 2 चले गए तो कितना आ गया, 10। तो ये सेंस तो बन रही है। यहाँ पर भी ऐसा करना पड़ेगा, 5 को 3 से करूँगा 15, 15 में से 4 चले जाएंगे तो 17 तो नहीं आएगा, 11 आएगा फिर। तो ये भी हमारा पैटर्न यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। कोई और पैटर्न आप लगा के देखिए, ठीक है। एक और यहाँ पर पैटर्न बन रहा है, क्या बन रहा है, 3 को 2 से गुणा कर दीजिए, 3 को 2 से किया 6,
और इस चार को आप ऐड कर दीजिए, 6 4 कितने 10, बात बन गई। फिर अगला इसको ऐसे करते हैं, 4 को 3 से गुणा किए, 4 ते 12, 12 में 5 ऐड किए तो 12 और 5 17, ठीक है जी, ये पैटर्न तो बन रहा है। ऊपर वाली दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूने 10, और नीचे वाली वैल्यू को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, 18 ऑप्शन में है, इसलिए आंसर क्या रहेगा 18, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जल्दी से, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये, देखने से ही पता चल रहा है मल्टीप्लाई का एक पैटर्न लगा है। 4 को 3 से करेंगे, 4 त्या 12, 12 को 2 से करेंगे, 12 दूनी 24, और 24 को किससे करूंगा मैं, 24 का आधा कितना 12, यानी कि 5 से गुणा करूंगा, ठीक है, 24 को 5। अब यही पैटर्न यहां पर अप्लाई करके देखिए इस थर्ड वाले पार्ट में, अगर बनता तो 6 को 3 से करूंगा 18, ठीक है जी, ऊपर कॉमन आ गया 3, 18 का डबल कितना आ गया 36, 2 भी कॉमन आ गया, अब 36 को 5 से करूंगा तो 180, ठीक है जी, तो पैटर्न तो बन रहा है। पहले इंटू 3 करेंगे, फिर इंटू 2, फिर इंटू 5 करेंगे, तो यहां पर मैं किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं, यानी कि 3 से गुणा करूं कि 24 बने, तो कितने त्या 24 होते हैं, 8 त्या 24 होते हैं, तो ऑप्शन बी जो है 8 हमारा वो इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है जी, क्लियर है आप सभी को। क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये भी हमारा सेम पिछले की ही तरह क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको हिंट पहले ही दिया होता है कि आपके पास जो बड़ी वैल्यू है उसको आपको देखना है। यहाँ पर 17 और 43 कहीं ना कहीं से रिजल्ट की फॉर्म में आपके पास वो बन सकते हैं, क्योंकि आप इसको जो लगाएंगे वो इस वे में लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल वे में, हॉरिजॉन्टल वे में आप लगा के देखिए, ऐड करने पे 17 तो नहीं आएगा, प्लस माइनस गुणा भाग करके आप देखिए, तो मैं ट्राई करता हूँ, 5 को 3 से करूंगा गुणा, कितना आ गया 15, 17 मेरे को बनाना तो मैं प्लस 2 कर दूंगा, तो कितना आ गया 17 बन गया, ठीक है जी। क्या किया मैंने, मैंने किया यहां पर 3 को 5 से गुणा किया, 15, 15 और प्लस 2 कितने 17, अगले को भी ऐसा करूंगा, 6 और 7 को गुणा करूंगा, 7 को 6 से गुणा किया 42, 42 और 1 कितने 43, ये मिडल वाली वैल्यू को ऐड करना है, तो ऐसे ही इसमें करूंगा, 5 को 2 से करूंगा 10, और 10 और 3 कितने हो गए 13, तो आंसर जो है वो हमारे पास आएगा ऑप्शन बी 13 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 4 5 8, 3 12 गैप, 5 13 17, तो कोई ना कोई पैटर्न जो है वो आप यहाँ पर लगा के देखिए, रो की फॉर्म में, कॉलम की फॉर्म में, कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पहली लाइन में तो आपका पैटर्न बन रहा है, क्या बन रहा है जी, 4 और 5 को ऐड करूंगा कितना आएगा 9, 9 में से 1 चला गया तो कितना आ जाएगा 8 आ गया, ठीक है जी। यहां पर भी ऐसा करूंगा मैं, 13 और 5 कितने होते हैं 18 होते हैं, तो 18 में से 1 कम कर दिया 17, पैटर्न तो बन रहा है, ठीक है जी, पैटर्न तो ये बन रहा है, ठीक है जी। 3 और 12 को ऐड करूंगा, 12 और 3 कितने हो गए 15, और 15 में से 1 कम करूंगा तो आंसर आ गया 14, बट 14 आई थिंक ऑप्शन में नहीं है, तो कोई और पैटर्न आप लगा के देखिए। सो यहां पर ये हमारा पैटर्न काम में नहीं आ रहा, अगर 14 ऑप्शन में होता तो यहां पर हम 14 को टिक कर सकते थे, लेकिन 14 ऑप्शन में है नहीं, तो फिर कोई और पैटर्न जो है वो हमें लगाना पड़ेगा। तो और क्या पैटर्न आप रो की फॉर्म में लगा के देखिए, कॉलम की फॉर्म में आप लगा के देखिए, किस तरीके का आपका आंसर बनेगा। मैंने क्या किया, 4 का स्क्वायर किया कितना आ गया जी 16, 3 का स्क्वायर किया कितना आ गया जी 9, 16 और 9 को ऐड कर दिया कितना आ गया 25, और 25 किसका रूट होता है 5 का, यानी कि 5 का स्क्वायर जो है वो क्या आएगा 25 आ जाएगा। इसको भी ऐसे करके देखते हैं, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, 12 का स्क्वायर 144, और ऐड करने पे 169, तो 13 का स्क्वायर जो है, 13 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 169, ठीक है जी, बात बन रही है, ठीक है जी। अगले में भी अप्लाई करके देखिए, 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है जी, 17 का स्क्वायर होता है आपके पास 289, तो किसको ऐड करने पे 289 बनेगा, किसके स्क्वायर को ऐड करने पे 289 बनेगा, तो
15 का स्क्वायर हो सकता है, 15 का स्क्वायर कितना, 225, 225 और 64 289, ठीक है जी। तो 15 जो है वो इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके पास, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये थोड़ा सा चेंज है आपके इस क्वेश्चन में, पहले नंबर की फॉर्म में कर रहे थे, अब जो है आपको अल्फाबेट की फॉर्म में भी एक दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाले हैं आज की इस क्लास में, सो ट्राई करें आप इस क्वेश्चन को। सो हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये हमारा अल्फाबेट के ऊपर बेस्ड रहेगा, सो इसमें जो है वो आप क्वेश्चन को ट्राई करें। एक रो या फिर कॉलम की फॉर्म में आप जो है वो अपने पैटर्न का यूज करें। आपके पास दिया गया है रो की फॉर्म में ए डी जी, फिर के एन क्यू, और उसके बाद है यू एक्स और डैश गैप यानी कि। तो किसी भी पैटर्न के थ्रू आप जो है इसका आंसर जो है वो निकालने की आप ट्राई करें, क्योंकि मैंने आपको नंबर वाले जो है वो क्वेश्चन बता दिए। अब जो है वो हमारे पास है अल्फाबेट बेस्ड, जिसमें एक या दो क्वेश्चन ही मैंने आपको आज की क्लास में डाले हैं। तो देखिए सीक्वेंस क्या बन रही है हमारी, ए से जब मैं तीन आगे जाऊंगा, देखिए अल्फाबेट कैसे होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, इस तरीके से हमारी सीक्वेंस चलती है। तो देखिए ए से डी तक मेरे को जाना है, कितना आगे गया, एक दो और तीन, तीन आगे चला गया, ठीक है जी। फिर डी से जी आप जाइए, डी से जाना है, एक दो और तीन, कितना आगे गए, तीन आगे गए। तो पैटर्न हमें मिल गया। तो के एन क्यू में भी सेम यही पैटर्न लगेगा प्लस के तीन का, तो वैसे ही नेक्स्ट में आप पैटर्न लगाएं, यू से तीन आगे जाएंगे तो एक्स, एक्स से तीन आप आगे जाइए, क्या होता है डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब जेड पे सीरीज खत्म हो गई, तो फिर से हमारी ए बी सी से ही स्टार्ट हो जाती है। तो एक्स से तीन आगे जाना है, एक दो और तीन, तो आंसर क्या आएगा, ए, जो कि ऑप्शन कौन सा हमारे पास, ऑप्शन बी हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। और ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन जो है वो बी, और आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए किस तरीके से आप क्वेश्चन के फॉर्मेट को बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहां पर जो हमारे पास नंबर हैं वो हमारे पास इक्वल गैप के ऊपर नंबर हैं। जैसे कि अगर मैं लास्ट वाली चीज को देखूंगा 35, 34 और 28, तो यहां पर मैं किसी एक कोई एक बड़ी वैल्यू को मैं आंसर नहीं ले सकता, क्योंकि सबसे नजदीक नजदीक वाले नंबर है, 5, 6, 6 का गैप है इनमें। फिर वैसे 40, 21, 35 में भी काफी क्लोज क्लोज जो है वो ये नंबर है। तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, प्लस या माइनस का पैटर्न लगाइए, ठीक है। प्लस माइनस का पैटर्न किस वे में आप लगाएंगे, जैसे कि लास्ट में से मैं ऐड करने की ट्राई करता हूँ, 35, 34 और 28 को अगर मैं ऐड करता हूँ, मैंने क्या किया, 35, 34 और 28 को ऐड करता हूँ मैं, तो मेरे पास क्या रिजल्ट बनेगा, एक बार मैं ट्राई करता हूँ इसको। मैंने क्या किया, 35 प्लस 34 प्लस 28, तो इन सभी को ऐड करने पर मेरे पास कितना बना, 97 बना इस वे में। अगले वाले को ऐड करता हूँ, 21, 40 और 35, मैंने क्या किया, 21, 40 और 35 ऐड किया तो कितना आ गया, 96। नहीं, ये तो पैटर्न नहीं बन रहा है, क्योंकि पैटर्न हमारा कॉमन चलना चाहिए। अगले वाले में मैं कॉलम की फॉर्म में ट्राई करके देखता हूँ, मैंने क्या किया, 43, उसके बाद 21, उसके बाद 35, तो आंसर कितना आ गया, 99 आ गया इस वे में। नीचे की तरफ मैंने ऐड किया, अगले वाले को ऐड करता हूँ मैं, 5 और 4 9, 4 और 2 6 और 3 9 99, तो ये हमारा कुछ बन रहा है, आंसर बन रहा है। तो मैं 28 और 35 को मैं क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, कितना आ गया, 63। 63 में मैं कितना ऐड करूँ कि मेरे पास कितना बन जाए, 99 बन जाए, तो कितना ऐड करूंगा, एक्स ले लिया उस तरफ जाएगा, माइनस 99 में से 63 कम कर दिए, तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, ये सॉरी 6 और 36 आना चाहिए, 36, हाँ ऑप्शन है ये, ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए आप क्वेश्चन को, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है आपके पास, ये क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, बिल्कुल ईजी है। आपको सीरीज के केस में आपको जो है वो स्क्वायर और क्यूब आपको पता होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दे सकते हैं। स्क्वायर और क्यूब आपको पता होने चाहिए। स्क्वायर
यह क्यूब देखिए, 8 जो है वो किसका है, 2 का क्यूब है, ठीक है जी। 3 का क्यूब कितना है, 27 है। 4 का क्यूब कितना है, ये है 64। तो यहां पर क्या आएगा, एक पैटर्न चला है हमारे पास, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो पिछली वाली वैल्यू में क्या आएगा, 1 का क्यूब। 1 का क्यूब कितना, 1, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कीजिए आप, क्वेश्चन है 8, 7, 6। अब इस तरीके से अगर मैं क्वेश्चन को लेता हूँ रो की फॉर्म में तो आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू जो है वो नीचे दी गई है, तो मेरे को जो है वो कॉलम की फॉर्म में जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। 8, 7 और 6 का कोई मैं प्लस माइनस गुणा भाग करूं कि मेरे पास या तो 90 बने या इसके आसपास कोई वैल्यू बने, तो ट्राई करते हैं, गुणा ही होगा। गुणा को करने पे हम देखते हैं कि कितना आंसर आता है। 8 को 7 से गुणा करता हूँ, कितना आ जाएगा, नहीं तब तो वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, 56 आ जाएगा गुणा करके, और 56 को 6 से करूँगा तब तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। प्लस करके देख लेता हूँ, 8 और 7 कितने हो गए, 15 हो गए। 15 को 6 से गुणा किया, 15 6 90, ठीक है जी, वैल्यू बन रही है। तो इसको भी मैं ऐसे ट्राई करता हूँ, 6 और 7 कितने, 13, 13 को 5 से गुणा करूँगा, 13 5 65, ठीक है जी, पैटर्न बन गया, दोनों में अप्लाई हो गया, इसका मतलब तीसरे में भी यही पैटर्न लगेगा। तो 6 और 5 कितने, 11, 11 को 4 से गुणा किया तो आंसर आ गया 44, और ऑप्शन में दिया है, इसलिए ऑप्शन बी क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप जल्दी से, क्या आंसर आएगा। अब फिर से देखिए, कॉलम की फॉर्म में ही होगा, वर्टिकल फॉर्म में, क्योंकि नीचे जो 65, 20 और 45 है ये काफी बड़ी बड़ी वैल्यूज दी गई हैं ऊपर वाले के कंपैरिजन में, तो आप मल्टीप्लाई का ही पैटर्न जो है वो यहां पर लगाइए। जस्ट सेकेंड, ठीक है जी, तो मैंने पैटर्न लगाया यहां पर, छ और सात को मैं क्या करता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, इनको ऐड किया कितना आ गया, 13, 13 को 5 से गुणा किया 65। पिछले क्वेश्चन में ऊपर वालों को ऐड कर रहे थे नीचे को गुणा, अब नीचे वालों को ऐड कर रहे हैं ऊपर वाली की गुणा कर रहे हैं, ये बन गया 3 और 2 प्लस किए 5, 5 को 4 से गुणा किया 20, ठीक है जी। अब 4 को किससे गुणा करूं मैं, 4 को मैं किससे ऐड करूं कि गुणा करने पे, गुणा 9 से करने पे 45 बने, 4 को किससे गुणा करूं, उसके बाद 9 ऐड करूं कि मेरे पास कितना बने, 45 बने। तो 4 को मैं किससे गुणा करूंगा, 4 को अगर मैं 1 से गुणा करता हूं, फॉर एग्जांपल 4 एकम 4, 4 और 1 5 जमा किया मैंने, सॉरी यहां पे प्लस आएगा 5, 5 को 9 से करूंगा तो 45 आना चाहिए, ठीक है जी। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 1 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो है ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, मैं आपको इसका आंसर जो है वो बता देता हूँ, इसका आंसर ऑप्शन सी हमारा रहेगा, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट जो भी हमारी मिसिंग नंबर की क्लास रहेगी उसमें हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी है, जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के साथ मैं आपसे जुड़ूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।